नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बताते चलें कि पीड़ित बीपी सिंह घटमपुर थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव का निवासी है। बीपी सिंह का सगा चाचा महिपाल व लवकुश और जीतू ने पीड़ित की विधवा माँ से 11,000 रुपए व शौचालय की रकम हड़प ली। पीड़ित ने बताया कि महिपाल व उक्त तीनों ने लालपुर, धर्मपुर और रघुनाथपुर में लगभग 50 ग्राम वासियों का शौचालय का पैसा हड़प कर लिया और शौचालय नहीं बनवाया, जिसकी शिकायत बीपी सिंह ने उच्च अधिकारियों से की। शिकायत से खिन्न 18 सितंबर को उक्त चारों व्यक्ति पीड़ित के पास आए, पैसे देने के बहाने अपने साथ ले गए। महिपाल, लवकुश और जीतू ने बिनकवर नदी के किनारे पीड़ित के सर पर भारी वस्तु से प्रहार कर दिया और पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। खून की धार निकलते यह सब बीपी सिंह को मरा हुआ समझकर भाग गए। राहगीर ने परिजनों को सूचना दी, परिजन पहुंचे थाने। अब खेल होता है सुरु खटमपुर थाने का। पीड़ित ने बताया उक्त चारों बेहद दबंग किस्म के हैं और जिनका राजनैतिक रसूख के दम पर पुलिस ने पीड़ित को भगा दिया। खानापूर्ति के नाम पर मामूली धाराओं पर NCR दर्ज कर ली। घटना की जानकारी लेने पर घाटमपुर थाना अध्यक्ष हड़बड़ा गए और बोलने लगे, मुझे घटना की जानकारी ही नहीं। जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया बेहतरीन पुलिसिंग के दावे करते हैं, वहीं उन्हीं की पुलिस की कार्यशैली अन्य बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर बट्टा लगाते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस पदक से सम्मानित हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर लापरवाही करने पर घाटमपुर पुलिस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और पीड़ित को मेडिकल कराकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे भी या नहीं। वहीं पीड़ित ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि यदि मेरी जान जाती है तो खटमपुर पुलिस उसकी जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। ये है कि मेरी माँ का शौचालय उठा लिया और 11,000 रुपए उधार लिए थे और लिवा के ले गए बिनगमा नदी में दो मोटरसाइकिल से और मार के फेंकी आए। महिपाल, लव, कुश और जीतू चार लोग, कोई सुनवाई नहीं हुई, भगा दिए, कहने लगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई होए, हमें न्याय मिले। हमें मारा है, हमारा पैसा ले गए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। रिपोर्ट दर्ज की जाए और मेडिकल करवाया जाए। अगर हम मर जाएंगे, अब पुलिस चौकी बतारा थाना घाटमपुर जिम्मेदार है।